नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री। दोस्तों, राजनीति में बदलाव की बयार बह रही है। पहले तो ये हवा बीजेपी में चल रही थी, जहां पर बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में राज्य की कमान नए चेहरों के हाथ में पकड़ा दी। अब ये हवा कांग्रेस में भी चल रही है, जहां पर बड़े नेताओं को साइड में लगाया जा रहा है और युवा लोगों को मौका दिया जा रहा है। भाजपा ने तीनों राज्यों में कई साल से राज्य कर रहे नेता को साइडलाइन कर दिया और दूसरे लोगों को मौका दिया। भाजपा ने बड़े बड़े नेताओं को हाशिए पर डाल दिया और अनजाने लोगों को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। भाजपा पर निगाह रखने वाले लोगों का कहना है कि बीजेपी विकल्पों की राजनीति कर रही है, यानी अगर मध्य प्रदेश में केवल शिवराज ही पार्टी का चेहरा बन जाए तो उनके जाने के बाद सेकेंड लाइन लीडरशिप गायब है। दोनों पार्टियों में हो रहे बदलाव को लेकर बातें सुनाई दे रही हैं। भाजपा पर नजर रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पूरी की पूरी पार्टी को दिल्ली से चलाए जाने की कोशिश हो रही है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व राज्यों में किसी क्षत्रप को पनपने नहीं देना चाहता। राज्यों में प्रभाव रखने वाले नेताओं को धीरे धीरे साइडलाइन किया जा रहा है और ऐसे लोगों को आगे लाया जा रहा है जो दिल्ली के इशारे पर काम करे और अपना एजेंडा ना चला सके और अपना कद इतना ना बढ़ा पाए कि वो उनकी बात ना मानने की सूरत में विद्रोह करने की ताकत रखते हो। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में यही काम किया गया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे शिवराज, वसुंधरा और रमन सिंह का कद राज्य में इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो पीएम मोदी को कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे थे। बावजूद इसके जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो भाजपा को किसी तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। इसकी भी एक खास वजह है, जिसका आंकलन भाजपा ने पहले से ही कर लिया था। सबसे ज्यादा बगावत की आशंका राजस्थान से ही थी, जहां वसुंधरा राजे और आला कमान के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। बीजेपी ने राजस्थान में एक ऐसे चेहरे का चुनाव किया जो पिछले कई साल से ये संगठन में काम कर रहा था। भाजपा के तमाम नेताओं से उनकी जान पहचान थी, अमित शाह के करीबी थे और सबसे बड़ी बात, अनजान चेहरा थे। जब बीजेपी ने भजन लाल को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया तो इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अचानक भजन लाल के मुख्यमंत्री बनने से राजस्थान में बीजेपी के हर विधायक को इस बात की उम्मीद होने लगी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी एक आदमी तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि पार्टी तो किसी को भी मौका देकर सीएम बना सकती है। यही वजह है कि जब भजन लाल को सीएम बनाया गया तो विधायकों को लगा कि ये तो हम में से एक है जिसको उसकी मेहनत का इनाम दिया गया है और भविष्य में इस तरह का इनाम किसी को भी मिल सकता है। वैसे भी तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद भाजपा नेताओं की तरफ से बयान आया था कि भाजपा में चेहरा इस बात की गारंटी नहीं है कि सीएम की कुर्सी उसे ही मिलेगी, बल्कि पार्टी के लिए दरी बिछाने का काम करने वाले कार्यकर्ता को भी सीएम की कुर्सी पर बिठाया जा सकता है। हालांकि कुछ विश्लेषक ये भी मानते हैं कि शिवराज, वसुंधरा और रमन सिंह को हटाने से भाजपा को लोकसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। इस पर एक विश्लेषक सुझाते हैं कि लोगों को बूथ तक ले जाने और वोट डलवाने का काम पार्टी कार्यकर्ता करते हैं, नेता तो केवल जनसभा करते हैं। तो यहाँ पर तर्क ये है कि भाजपा ने अनजान चेहरों की ताजपोशी कर हर उस कार्यकर्ता के मन में एक विश्वास पैदा किया है जो पार्टी में अपने काम के एवज में इनाम चाहता है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश से बदलाव की शुरुआत कर दी है। कमलनाथ को हाशिए पर डाल दिया है और एक नए चेहरे जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और हेमंत कटारे को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। जीतू कई साल से मध्य प्रदेश में पार्टी के लिए मेहनत करते आए हैं। कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ में चरणदास महंत को नेता विपक्ष बनाया है, जबकि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को उनके पद से नहीं हटाया गया। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का चेहरा है और उनकी पकड़ भी अच्छी है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस भूपेश बघेल को केंद्रीय संगठन में कोई जिम्मेदारी सौंपेगी, क्योंकि भूपेश बघेल को प्रशासनिक से लेकर संगठन का अनुभव रहा है और वो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति का अहम हिस्सा बन सकते हैं। राजस्थान में तो लगता है कि कमलनाथ की तरह अशोक गहलोत को भी किनारे किया जाएगा या केंद्रीय कांग्रेस में उन्हें कोई पद दिया जाएगा। राजस्थान की कमान सचिन पायलट को दी जा सकती है, क्योंकि सचिन पायलट कांग्रेस का युवा चेहरा है और कभी भी वो किसी तरह के विवाद में नहीं रहे हैं। अशोक गहलोत पर अपने करीबियों को फायदा दिलाने के आरोप लगते रहे हैं। खुद उनके बेटे वैभव गहलोत कह चुके हैं कि उनके पिता हमेशा एक गुट से घिरे रहते हैं और वो बाकी किसी की नहीं सुनते। हालांकि कांग्रेस ने जिन लोगों को भी मौका दिया है उनमें से कोई अनजान चेहरा नहीं है।
जीतू पटवारी मध्य प्रदेश की राजनीति में कई साल से सक्रिय है। छत्तीसगढ़ में भी यही हाल है। राजस्थान में अगर कमान सचिन पायलट को मिलती है तो वो भी जाना माना चेहरा है। कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि पूरी पार्टी गांधी परिवार के आसपास घूमती है। कुछ नेताओं ने गांधी परिवार को इस तरह से घेर रखा है कि गांधी परिवार उनकी ही बात सुनता है और उनके सुझाए गए नामों को ही इनाम देने का काम करता है। अगर कांग्रेस को बीजेपी से मुकाबला करना है तो उसे पार्टी के आखिरी छोर पर खड़े कार्यकर्ता को भी विश्वास दिलाना होगा कि वो चाहे पार्टी के लिए छोटे से छोटा काम कर रहा हो लेकिन उसे कभी भी बड़ा इनाम दिया जा सकता है। दोस्तों, आज की इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए आप जरूर देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।